हेलो गाइस, वेलकम टू खान टेक चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किसी भी थर्ड पार्टी का एप्लीकेशन बिना यूज़ किए आप अपने किसी भी एप्लीकेशन को कैसे लॉक कर सकते हैं। तो गाइस, इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना स्पेशली। तो दोस्तों, सिंपली इसके लिए आपके फ़ोन के अंदर एक सेटिंग में एक फ़ीचर होता है दोस्तों, जहाँ से आप जाके जैसे ही उसे ऑन कर लेते हैं, अवेलेबल कर लेते हैं दोस्तों, वहां से आप अपने मोबाइल के किसी भी एक एप्लीकेशन या सभी एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं बिना किसी भी अलग एप्लीकेशन को डाउनलोड किए हुए। तो दोस्तों, जैसे कि मैं सैमसंग का M51 यूज़ कर रहा हूँ, तो हो सकता है गाइज हर अलग मोबाइल में ये फ़ीचर थोड़ा अलग हो सकता है, बट आई थिंक दोस्तों ये सारे मोबाइल के अंदर मिल जाता है। तो गाइज, मैं आपको इसे अपने मोबाइल के होम स्क्रीन की रिकॉर्डिंग के मदद से करके दिखाने वाला हूँ कि किस तरह से और कहाँ से ये ऑप्शंस आपको मिल जाता है, जहाँ से कि आप इसे ऑन कर लेने के बाद आराम से किसी भी एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं और अनलॉक कर सकते हैं, अपने फिंगरप्रिंट, पिन या फिर आप अपने पैटर्न लॉक की मदद से। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं स्क्रीन पर। गाइज, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके फ़ोन के सेटिंग में चले जाना है। तो गाइज, ये हर फ़ोन के अंदर थोड़ा सा सेटिंग फीचर अलग हो सकता है। जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों, जो मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ वो सैमसंग का गैलेक्सी M51 है। तो दोस्तों, इसके अंदर इस तरह का फीचर है। इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना है, स्लाइड कर देना है और नीचे आ जाना है। यहाँ पर दोस्तों आपको मिल जाता है एडवांस फ़ीचर। एडवांस फ़ीचर को जैसे आप क्लिक करते हैं दोस्तों, इसको स्लाइड करके आपको सबसे नीचे मिल जाता है यहाँ पर दोस्तों लॉक एंड मास्क ऐप। सिंपली दोस्तों आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। अगर आपने दोस्तों इसे पहले से एबल किया हुआ है तो यहाँ पे आपको पहले से एक पैटर्न पिन या फिंगरप्रिंट मिल जाता है। तो दोस्तों, मैंने पैटर्न भी और फिंगरप्रिंट दोनों लगाए हैं, तो इसे अनलॉक कर लेते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपने कितने ऐप्स लॉक किए हुए हैं, क्या फीचर्स लगाए हुए हैं, किस तरह का लॉक लगाया है और मास्क कितने हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कोई ऐप लॉक कर लेना है तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे आप लॉक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपने कौन कौन से ऐप लॉक करे। तो सिंपली दोस्तों, जैसे ही आपको कोई एप्लीकेशन को लॉक करना है तो आप यहाँ पे जहाँ पे आपको लॉक का फीचर मिल रहा है यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि आपके कितने एप्लीकेशन अभी फ़िलहाल में लॉक हैं, और यहीं साथ में आपको ऐड और अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है। दोस्तों, अगर अनलॉक करते हैं तो आपके ये दोनों ऐप्स अनलॉक हो जाएंगे, और अगर आप ऐड करते हैं तो दोस्तों इसका मतलब कि आप और भी किसी ऐप को इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं जहां से वो लॉक हो जाएगा। तो सिंपली दोस्तों ऐड पे क्लिक करना है। अब ये सारे फीचर्स हैं, अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि इनमें से कोई ऐप आपके बिना कोई यूज़ ना करे तो आप उसको यहाँ से लॉक कर सकते हैं। तो जैसे कि दोस्तों, मैं आपको एक कोई भी करके दिखा देता हूँ। तो मैं पिक्सल लैब को यहाँ से डन कर देता हूँ। दोस्तों, डन होने के बाद ये पिक्सल लैब अब लॉक हो चुका है। तो दोस्तों, मैं आपको चला के दिखा देता हूँ। यह है मेरा पिक्सल लैब, आप इस पे देख सकते हैं लॉक शो हो रहा है। अगर हम ऑन करते हैं तो ये लॉक इस तरह से आएगा। तो दोस्तों, ये मेरे फेस लॉक से अनलॉक हो जा रहा है फिलहाल। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर लॉक आपको हर ऐप में आने वाला है। और साथ ही दोस्तों, अगर आप इसे अब अनलॉक करना चाहते हैं तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको दोबारा से एडवांस फीचर्स के अंदर चले जाना है। यहाँ पे दोस्तों आपको दोबारा उसी लॉक वाले फ़ीचर पे जाना है, इसको अनलॉक कर लेना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लॉक के फ़ीचर पे जाके आप अनलॉक के ऑप्शंस को क्लिक करेंगे, और जो भी ऐप आपको अनलॉक करना है वो करके देन यहाँ पर आपको अनलॉक कर देना, तो ये दोबारा से अनलॉक हो जाता है। तो गाइज, इस तरह से आप किसी भी थर्ड पार्टी के एप्लीकेशन के बिना भी अपने एप्लीकेशंस को लॉक या अनलॉक कर सकते हैं।